फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रेसिपी चैनल, होम फूड डिलीशियस रेसिपी चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं परवल की सब्जी। ये है परवल, इसको मैंने बीच में से काट लिया है और इसके अंदर के बीज को निकाल दिया है। ये है काटने के बाद, उसके लिए लगने वाला है एक प्याज, दो छोटे आलू, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। ये है सब्जी मसाला, एवरेज सब्जी मसाला जो आता है वो सब्जी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये पांच फूरन, ये लहसुन लंबा लंबा स्लाइस किया हुआ, नमक, ये है थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी। तो सबसे पहले हम तेल को गरम किया है गैस के ऊपर। एक बोल में कड़े में हमने तेल रखा है, तेल को गरम करने रखा है। तेल गरम हो चुका है, हम पहले ये परवल पूरा फ्राई कर लेंगे। परवल को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा क्रिस्पी, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं और ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं, हल्का सा थोड़ा फ्राइड होना चाहिए, ब्राउन और क्रिस्पी। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो गया है, फ्राइड हो रहा है अभी अच्छे से। परवल है कि ऐसी सब्जी है कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, और ज़्यादातर लोग उसको खाते नहीं हैं, बहुत कम लोग उसको खाते हैं। पर अगर एक बार आप ये रेसिपी घर पे बना के ट्राई करेंगे तो आप सभी को अच्छी लगेगी, तो ज़रूर बना के देख लेना। ये फ्राइड होने के बाद हम इसको निकालेंगे। अगर आप इसको फ्राई करते हैं राई के तेल में तो और भी स्वाद आता है, और अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे तो भी अच्छा है। अभी आप देख सकते हैं फ्राइड हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा
चेंज हो चुका है, थोड़ा ब्राउन आ गया इसका कलर। मैं अभी इसको अलग से निकाल देती हूँ एक बोल में। अच्छे से फ्राइड होना चाहिए थोड़ा, तभी उसको और बेटर टेस्ट आता है। अभी हम वैसे ही उस आलू को भी फ्राई करेंगे उसी ऑयल में, उसी तेल में हम अभी आलू को डालेंगे, आलू को फ्राई करके लेंगे। जो मैंने लंबा लंबा काटा है आलू को, उस आलू को भी वैसे ही थोड़ा फ्राई करेंगे, पर आलू क्रिस्पी नहीं, अच्छे से फ्राइड होना चाहिए, एकदम ब्राउन भी नहीं। डीप फ्राई करते वैसे डीप फ्राई करके लेना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं आलू अच्छे से फ्राइड हो गया है, हम इसे भी निकाल देते हैं। आलू को भी अभी फ्राई किया हुआ उसको निकाल के इस साथ में रख देते हैं। पैन लिया है, उसमें मैंने तेल डाला है और अभी मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ और लंबी कटी हुई चार बड़ी मिर्ची। साथ में अभी 5 फूरन मसाला डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा। और अभी मैं इसमें लहसुन डालूंगी। अच्छे से फ्राई करूंगी लहसुन को। अभी
अभी मैं ये कांदा डालती हूँ इसमें। इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी अच्छे से फ्राइड हो गया है। हम अभी इसमें हल्दी पाउडर डालते हैं। हल्दी पाउडर मैंने डाला है, फिर थोड़ा सा गरम मसाला, सब्जी मसाला, दो चम्मच सब्जी मसाला और नमक, स्वाद अनुसार नमक। और हींग डाल रही हूँ। इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ मसालों में। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, अब देख सकते हैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया मैंने, सिर्फ थोड़ा सा। और अभी हम इसमें बाकी फ्राई किए हुआ दोनों ही सब्जी डालेंगे, आलू और परवल, और मिक्स करेंगे। देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। तो ये बन गई हमारी स्वादिष्ट परवल की सब्जी। देख सकते हैं इसकी कलर कितना अच्छा आ गया है। ये हम इसको सर्विंग बोल में भी निकाल देते हैं। तो मैं अभी इसको सर्विंग बोल में निकाल देती हूँ। ये बन गई परवल की सब्जी। सो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी बताना मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करके, और श्योर आपको भी पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय रेसिपी, माय होम फूड डिलीशियस रेसिपी। थैंक यू।